नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है राज कुशवाहा और आप देख रहे हैं रॉयल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। आप ही का चैनल है दोस्तों, अपने प्यार और स्नेह को इसी प्रकार बरकरार रखिए, क्योंकि मेरे जो आपके इस चैनल के 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैंने कहा आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी प्रकार अपना प्रेम स्नेह इस यूट्यूब चैनल पर बनाए रखें और दिनों दिन आप इसी प्रकार मेरे व्यूज और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे और इस जो डिश सेटिंग की वीडियो उनका आनंद लेते रहिए। आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए ये डिस्क स्विच के बारे में। कई नए जो फ्रेशर्स रहते हैं हमारे डिस भाई, डिस ट्रैकर भाई, तो वो इसका यूज करना नहीं जानते कि इस प्रकार ये जो डिस्क स्विच होता है इसको कैसे यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको 4-in-1 वाले डिस्क स्विच के बारे में ही बताना चाहूंगा। उसके बाद में अगर आप डिमांड करेंगे तो मेरे पास 8 पोर्ट वाला भी डिस्क स्विच है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा उसको किस प्रकार यूज किया जाता है। तो आप 4 सैटेलाइटों को आराम से एक टीवी पर देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं आज आपको इसका डिश सेटिंग, इसका जो वीडियो है मैं लेकर आया हूं। तो चलो चलते हैं, हम ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस डिस्क स्विच के बारे में हम करते हैं सेट। और मेरा नाम राज कुशवाहा, रॉयल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज वीडियो को स्किप ना किया करें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आप 8 पोर्ट वाले डिस्क स्विच के बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लाइक नीचे आपको कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको वाला डिस्क स्विच का वीडियो बनाकर लाऊंगा। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, 8 पोर्ट वाले का भी दिखाता हूँ। 8 पोर्ट वाला डिस्क स्विच है जिसमें ये सॉलिड का डिस्क स्विच है जिसमें 8 सैटेलाइटों को आप देख सकते हैं कि इसमें यूज किया गया है। और ये जो गया है ये हमारी टीवी की ओर गया है रिसीवर के लिए, लेकिन आज के वीडियो में आपको 4 वाले का बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स करेंगे तो अब मैं निश्चित ही इसके बारे में इसका वीडियो भी डालूंगा। और इसका जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो मैं उसका अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। जैसा कि दोस्तों ये हमारे पीछे का आपको सीन बहुत प्यारा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा, ये हमारे खेत वगैरह, रूरल एरिया है तो आपको खेत वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये मेरा बगीचा दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा गार्डन है जिसमें साग सब्जी वगैरह उगती हैं। और ये मेरे बदर सेट पर सेट है अभी प्रेजेंट में, 110 सेंटीमीटर डिस है। आप जिस सैटेलाइट का वीडियो कहेंगे मैं उसका डाल दूंगा। ये मेरी मॉडिफाइड डिस है और ये ASSET 7 पर सेट है 105 डिग्री ईस्ट पर। ये 4 फुट की प्राइम फोकस डिस है जो 80 डिग्री एक्सप्रेस AM उस पर 80 डिग्री पर सेट है, जो रशियन सैटेलाइट है इसमें एडल्ट चैनल आते हैं। उसके बाद में ये आपको जो डिस दिखाई दे रही है बंगा बंधु लाओसेट 128 KU बैंड, ये DD फ्री डिस 93 डिग्री जे, ये जो आपको दिखाई दे रही है 26 डिग्री बदर सेट पर सेट है। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको दिखा दूं जिससे, क्योंकि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं और भाइयों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। प्लीज़ आप लाइक नहीं करते, ना शेयर करते, ना कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ मैं फिर से वही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और जिससे डिस्कसी मैं आपको स्विच के बारे में इसके वीडियो आपको डाल रहा हूं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा ये हमारे क्या है, ये हमारी जो है ये ASSET 7 है, ये वाइट वाला वायर आया, ये हमारा जी गया, ये हमारा इस डिस्क स्विच में। तो मैं आपको पहले बारी बारी से समझा दूं कि हमारा जो ये देखिएगा डिस्क स्विच है, ये पोर्ट, ये वन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वन वाला जो आया है तो हमारी कौन सी सैटेलाइट ट्रेस है, ये लाओसेट 128। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये वन पर है लाओसेट, और टू पर हमारी जो है ये टू वाला वायर गया ये दूसरी छतरी पर, यानी कि ये देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वायर गया ये हमारा यहाँ से होता हुआ और ये डिस में, यानी कि 80 डिग्री पर, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपको तीसरा पोर्ट का वायर दिखाई दे रहा है, ये तीसरा पोर्ट का वायर ये जो गया है, ये वाइट वाला वायर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा गया है ASSET 7 में, ठीक है ना। और चौथा जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये चौथा वाला जो वायर है ये देखिएगा, ये गया यहाँ से होता हुआ और ये गया हमारी, ये बदर सेट 26 डिग्री, ठीक है ना, 2 फुट पर। तो मैं आपको अब इसको बताता हूँ कि किस प्रकार डिस्क स्विच का यूज़ किया जाता है। तो आपको जो रिसीवर वाला जो वायर दिखाई दे रहा है, ये इस पर रिसीवर लिखा है, ये हमारा जो वायर गया, ये रिसीवर वाला ये गया, ये किस में गया हमारा, ये देखिएगा, ये आता हुआ ये गया हमारा रिसीवर में,
ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये देखिएगा ये वायर हमारा रिसीवर में गया। तो आपने क्या समझ में आया कि हमारा जो वन वाला पोर्ट है, वन वाला ये हमारा लाउ सेट, उसके बाद दो वाला नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये दो वाला ये हमारा किस में गया, दूसरी छतरी यानी कि 80 डिग्री। और जितने आपको जो तीसरा वाला दिखाई दे रहा है ये हमारा किस में गया, SS7। ठीक है, उसके बाद में ये चौथा वाला जो गया वो हमारा क्या है, बदर सेट 26 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, तो देखिएगा हम आ गए सबसे पहले मेन मेनू में। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस सेटिंग में हम जाएंगे और यहाँ पर जैसे हम कोई भी सैटेलाइट को चूज़ करते हैं, सपोज दैट सबसे पहले हम एक काम करते हैं वन सैटेलाइट, तो हमें इसमें सबसे पहले चलो बदर सेट को ही करते हैं। ये बदर सेट हमने ले लिया, ये यहाँ से हमने सर्च किया, आप कोई भी ले सकते हैं KU बैंड की सैटेलाइट, क्योंकि हमारे KU बैंड है तो हम कोई भी सैटेलाइट ले लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे बदर सेट मैंने ये कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर मुझे इसको ऑन ही रखना, उससे कोई छिड़कानी नहीं करना। KU बैंड का जो रहता है वो 9750-10600 इसकी एलाइन फ्रिक्वेंसी रहती है। और अब आते हैं ये डिस्क्रिप्शन से, आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ये 1.0 और 1.1। तो अपन को क्या करना है, ये वाले ऊपर वाले पर, ऊपर वाले पर यहाँ पर अभी ऑफ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको पोर्ट 4, क्योंकि हमारा पता है बदर सेट हमने 4 नंबर पर लगाया गया है। ठीक है ना, तो जैसे ही हम 4 नंबर पर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है पोर्ट 4, क्योंकि बदर सेट जो है हमारी 4 नंबर पर लगा हुआ है। ये देखिएगा बदर सेट 4 नंबर पर, तो हम इसको करेंगे एग्जिट। एग्जिट जैसे ही हम करते हैं ये देखिएगा ये चैनल रन हो गया। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना है कि शैक्षणिक स्तर से है, मेरे किसी भी प्रकार की अवैध इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बदर सेट के चैनल चालू हो चुके हैं। ठीक है ना, ये बदर सेट पर सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बदर सेट हो गया हमारा 4 नंबर पर। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये 4 नंबर पर हमारा क्या था, बदर सेट, ये हमारा ये वाली जो डिश है ये बदर सेट पर है। अब हमारा आया 3 नंबर, तो 3 नंबर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 3 नंबर, ये 3 नंबर ये किस पर गया है, SS7, ये जो मॉडिफाइड डिश है ये SS7 पर है। तो हम देखो इसको क्या करें, अब हमारी 3 नंबर पर जैसा कि आपको पता है कि हमारा SS7 है, तो हम यहाँ से जाएंगे कोई भी एक ये सैटेलाइट चूज़ कर लेंगे। जैसे सपोज दैट हमने SS7 किया और यहाँ पर हमें इससे कोई छिड़कानी नहीं करना है, और इसके बाद में ये और यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में ये 2 आ गए, तो इसमें ऊपर वाले पे हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 पोर्ट करना है। कितना करना है, 3 नंबर पर। जैसे ही हम 3 नंबर पर करने के बाद, 3 नंबर पर करने के बाद में ऑटो स्कैनिंग करते हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ से सी बैंड सैटेलाइट कोई भी चूज़ कर लेना, उसमें जैसे हमने यहाँ से SS7 ही कर लिया, और इसमें करने के बाद में यहाँ पर इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो था यहाँ पर एक यहाँ पर हमेशा 5150 रहता है, 5750 नहीं 5150, क्योंकि सी बैंड का जो रहता है वो 5150 रहता है, और 5750 जो रहता है वो रहता है वाइट वाली बंगा बंधु वाली LNB का। तो हमें यहाँ पर 5150 करना है सी बैंड के लिए, और यहाँ से करने के बाद में यहाँ पर इसको 3 करेंगे, तो जैसे ही हम इसको देखो हमने दूसरा पोर्ट किया नहीं आया, और जैसे ही हमने 3 किया ये सिग्नल आ गया है। ठीक है, उसके बाद मोटर स्कैनिंग करके हम यहाँ से इसको ब्लाइंड स्कैन करते हैं तो हमारे चैनल आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये देखिएगा जैसे कि इस पर ये देखिए सिग्नल आ गए हैं, ये सहारा का जो पैकेज चल रहा है ये देखिएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद में अब हमारी अगली सैटेलाइट जो है जैसे हमारा 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है जो जो बदर सेट पर सेट है, उसके बाद में ये 3 वाला हो चुका है जो कि हमारा SS7 है, उसके बाद 3 के बाद में हमारा 2 के आते हैं, और ये आपको जो वायर गया है ये हमारा रशियन सैटेलाइट 80 डिग्री का है। तो 80 डिग्री के हम करते हैं, तो सबसे पहले हम तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें पता है अब हम 2 वाले को सेट कर रहे हैं पोर्ट 2 को, तो उसके लिए हम एंटीना सेटिंग में जाते हैं। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ से हमें ऐसे करना है क्या, ये हॉरिजॉन 2 ले लिया मान के चलो, KU बैंड सैटेलाइट 9750-10600 रहता है आपको पता है। उसके बाद में इस ऊपर वाले को हमें क्या रखना है, इसको 2 करना है, ये 2 करेंगे और नीचे वाले को ऑफ रखें। ठीक है ना, तो इसको हमने 2 कर दिया, तो ये देखिएगा सिग्नल तुरंत आ गए हैं। उसके बाद में यहाँ से हम ऑटो स्कैनिंग कर देंगे ब्लाइंड स्कैन, तो हमारे चैनल आना प्रारंभ हो जाएंगे। ये देखिएगा हमने ऑटो स्कैनिंग कर रखी है, तो यहाँ से हमारा ये देखिए ये चैनल चल रहा है, 71% सिग्नल आ रहा है, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये रशियन सैटेलाइट है, और इस पर रशियन चैनल आते रहते हैं
एडल्ट चैनल भी चलते हैं, अब उनको कैसे क्या चलाया जाता है ये सब स्क्रैम्बल मोड पर है, तो वो आप ही जाने। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है ब्राजर्स टीवी यूरोप, और तो ये स्क्रैम्बल मोड पर है और इसमें आपको सिग्नल क्वालिटी भी दिखाई दे रही है 71%। अब ब्राजर्स पर क्या आता है ये आपको भली भांति परिचित है आप इससे। चलो अपन तो आगे देखते हैं, उसके बाद में हमारी अगली सैटेलाइट जो आपको दिखाई दे रही है, हमारा 4 हो चुका है, 3 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, अब आ रहा है 1। तो 1 जो वायर गया हमारा यहाँ से होता हुआ और ये गया है लाओसेट 128 KU बैंड, ठीक है ना, KU बैंड की सैटेलाइट है। तो हम इसको करके देखते हैं, तो देख सकते हैं आप सबसे पहले एंटीना सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद में हमने कोई भी एक सैटेलाइट लिए ले रहे हैं, कुछ मान के चलो ये एक्सप्रेस ही ले लिए, कोई भी ले लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त इतना ध्यान रखना है हमें कि KU बैंड है तो यहाँ पर 57। देखिए दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से जाना है और यहाँ से जाने के बाद कोई भी एक सैटेलाइट चूज़ कर लेना, इसको ऑन कर देना 57 50 10 600 KU बैंड के लिए करते हैं और यहाँ पर हम पोर्ट को 1 कर देंगे तो हमारे सिग्नल आ जाएंगे। पहले क्या थोड़ा सा वायर हिला हुआ था इसीलिए नहीं आ रहा था सिग्नल, ठीक है, मैंने उसको सही कर दिया और इस पोर्ट को मैंने ये देखिएगा 2 है, यहाँ पर मैंने जैसे ही 1 करूँगा ये सिग्नल मेरा आ जाएगा, ये देखिएगा सिग्नल ग्रीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑटो स्कैनिंग आप कर दीजिए, आपका चैनल चलने लगेगा, ठीक है। ये देखिएगा ये लाओ सेट है, ये लाओ सेट है, ये लाओ सेट है, स्क्रैम्बल है, ये देखो सिग्नल आ रहा है और LNE फ्रिक्वेंसी भी आप देख सकते हो 10910 हॉरिजॉन्टल 45,000, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार हमें डिस्क्रिप्शन स्विच को यूज़ किया जाता है। आप अगर ये देखिएगा ये आपकी लाओ सेट की स्ट्रॉन्ग टीपी है 10910 हॉरिजॉन्टल 44,999 यानी 45,000 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा, भाइयों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर देना जिससे DTS संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।